भाषा तथा व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। कहने सुनने के लिए किसी न किसी भाषा को माध्यम बनाया जाता है, लिखने के लिए भी किसी न किसी भाषा का सहारा लिया जाता है। जब भी हमें अपने मन की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है, तब हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात व्यक्त करते हैं। भाषा का कार्य है विचारों का आदान प्रदान। भाषा का साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। इशारों को भाषा नहीं कहा जा सकता। ध्यान रखिए, भाषा वह है जिसके अंतर्गत मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट करता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज। जब व्यक्ति बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह मौखिक रूप कहलाता है। इसका आधार मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली तरह तरह की ध्वनियां होती हैं। भाषा का मौखिक रूप उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, अतः यह अस्थाई होता है। लिखित भाषा रिटन लैंग्वेज। जब व्यक्ति लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है, तब भाषा का वह लिखित रूप कहलाता है। लिखित भाषा में मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बना लिए जाते हैं, जिन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। इस रूप में जो भी बात कही जाती है, वह कभी समाप्त नहीं होती। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को माध्यम प्राप्त है। हिंदी, उर्दू, असमिया, बंगला, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, कन्नड़, सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, कोंकणी, मराठी, नेपाली, मैथिली, स्थाली, बोडो और डोगरी। भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक ध्वनि के लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों को पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने सीखा भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। वर्णों की व्यवस्था तथा उनके लिखने का ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत भाषा के नियमों का अध्ययन किया जाता है। व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।